किसी भी व्यक्ति के जीवन में बचपन सबसे सुनहरा समय होता है। जिम्मेदारियों से दूर अपनी ही मस्ती में खोए रहना बच्चों को आनंद देता है, लेकिन सभी बच्चों का बचपन एक जैसा नहीं होता। कई बार परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं जिससे न सिर्फ उनका बचपन प्रभावित होता है बल्कि वो अपराध में लिप्त हो जाते हैं और फिर बाहर नहीं आ पाते। यह स्थिति चिंता का विषय है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर कई नीतियों, कानूनों और योजनाओं को लागू किया है। इसमें किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम प्रमुख है। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कानून की पाठशाला, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इसी कानून की। नैतिक आधार पर बच्चों द्वारा किए हुए अपराध निंदनीय हो सकते हैं, लेकिन दंडनीय नहीं। कानूनन 7 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी भारतीय नागरिक किशोर की परिभाषा में आता है। फिलहाल समाज में सबसे वंचित, शोषित और उपेक्षित बच्चों को समुचित देखभाल और पुनर्वास उपलब्ध कराना भी इस अधिनियम का मकसद है। सरकार ने कानून और किशोर न्याय, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 को बदलने के लिए किशोर न्याय, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 को पारित किया गया था। फिर सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन कर किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित किया। किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बाल मैत्री प्रक्रिया के जरिए कमजोर, उपेक्षित और संघर्षरत बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी देखरेख, पुनर्वास, संरक्षण, उपचार और विकास को सुनिश्चित करता है। यानी बच्चों को अपराध की ओर जाने से रोकना और अपराध से प्रभावित बच्चों में सुधार के जरिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम को जेजे अधिनियम भी कहते हैं। जेजे अधिनियम किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को छोटे, गंभीर और जघन्य अपराधों में विभाजित करता है। इस कानून में छोटे अपराधों के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक सजा का प्रावधान है, जबकि गंभीर अपराध के लिए 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा है, और जघन्य अपराधों के लिए ये कानून 7 वर्ष या इससे अधिक सजा का प्रावधान करता है। ये कानून जघन्य अपराधों के लिए अपवाद भी प्रदान करता है। आपकी जानकारी के लिए, जघन्य अपराधों के मामले में 16 से 18 वर्ष की आयु के बालकों को वयस्क माना जा सकता है, बशर्ते कि किशोर न्याय बोर्ड ने उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का आकलन किया हो और प्रमाणित किया हो। जेजे अधिनियम हर जिले में जेजेबी और बाल कल्याण समितियों की अनिवार्य स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें कम से कम 1 महिला सदस्य आवश्यक है। ये एक्ट CWC के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए कुछ मानदंड भी तय करता है। ये कानून बाल कल्याण समितियों को प्रभावित बालकों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास का अधिकार और शक्ति देता है। कानून कहता है कि ये समितियाँ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को कानूनन प्रमाणित करती हैं। जेजे अधिनियम ने सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा को कानून के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय का दर्जा दिया है। जेजे अधिनियम की धारा 61 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करती है। मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय शोधों से पता चला है कि मनुष्य में आपराधिक सोच बचपन से ही जड़ पकड़ती है। आंकड़े बताते हैं कि अक्सर सबसे गंभीर अपराध करने वाले किशोर अवस्था के बालक होते हैं। इसीलिए बच्चों को अच्छी परवरिश और माहौल मिलना चाहिए ताकि वो आपराधिक विचारों से दूर रह सकें। कानून के पाठशाला के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण कानून की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।